दोस्तों आज के अपने इस भारतवर्ष में चिकित्सा पद्धतियां बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बीमारियां बढ़ती ही जा रही हैं। हर साल एक नई बीमारी आ जा रही है और लाखों लोगों को अपने चपेट में ले रही है। दवाइयां खाते खाते लोग उब चुके हैं। लोगों के शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली अर्थात उनका इम्यून सिस्टम दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है। कई लोग तो बचपन से ही तमाम प्रकार के रोगों से ग्रस्त होते जा रहे हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि हम लोग उन प्राचीन पद्धतियों से दूरी बनाते चले जा रहे हैं। अपने इस भारतवर्ष में ऋषि मुनियों ने काफी रिसर्च करके योगाभ्यास से लेकर शरीर को सही करने तक तमाम प्रकार की विधियों को खोज निकाला था, लेकिन आज के समय में हम ना तो उन तरीकों को जानना चाहते हैं और ना ही उनको अपनाना चाहते हैं, जिससे वह सारी विधियाँ और शरीर को सही करने के तरीके सब गायब होते जा रहे हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम उन्हीं ऋषि मुनियों के द्वारा बताई गई सांभवी मुद्रा के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप सांभवी मुद्रा का प्रतिदिन 21 मिनट तक अभ्यास करते हैं तो आपका आज्ञा चक्र जागृत होता जाएगा और आप भविष्य के खतरों के बारे में भी अनुमान लगा सकते हैं। इसके जरिए आप गहरे ध्यान में जा सकते हैं। सांभवी मुद्रा को करने से दिल और दिमाग को शांति मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि सांभवी मुद्रा करने से मस्तिष्क के खास हिस्से में न्यूरॉन बढ़ते हैं। यह आपके मस्तिष्क में न्यूरॉन को सक्रिय करता है, जिसके चलते आपकी मानसिक क्षमता बढ़ती है। आप जो भी चीज़ें पढ़ेंगे वह सब आपको याद रहेगा। चिंता और परेशानी से आप बचे रहेंगे। नींद ना आने की समस्या से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा और जीवन में आप बहुत ही सुख और शांति का अनुभव करेंगे। आपका आत्मविश्वास बढ़ता चला जाएगा। दोस्तों एक बार की बात है, एक ऋषि के आश्रम में एक शिष्य रहता था। वह बहुत ही दुष्ट था। वह आश्रम में रह रहे शिष्यों को बेवजह परेशान करता रहता था। कभी उनके बिस्तर पर मेढक रख देता तो कभी उनके कपड़ों को पेड़ पर टांग देता था। सभी शिष्य उससे परेशान हो गए थे। एक बार सभी ने सोचा कि इसकी शिकायत अपने गुरु से करते हैं। सभी लोग संगठन बनाते हैं और अगले दिन गुरु से उस शिष्य की शिकायत करने पहुंच जाते हैं। गुरु उन शिष्यों की बात को ध्यान से सुनते हैं और कहते हैं, ठीक है, तुम लोग यहाँ से जाओ, मैं अभी उसे बुलाकर उसको दंड देता हूँ। सभी शिष्य वहाँ से चले गए। ऋषि उस शिष्य को अपने पास बुलाते हैं और पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम अन्य शिष्यों को क्यों परेशान कर रहे हो, उसमें तुम्हें क्या मजा मिलता है। वह शिष्य कहता है कि गुरुवर, मैं जानबूझकर ऐसा बिल्कुल नहीं करता। मेरे मन में तमाम तरह के विचार चलते रहते हैं जो कि मुझे शांत से बैठने ही नहीं देते। गुरुवर, जब मैं शांत से बैठने की कोशिश करता हूँ तो मेरे अंदर बेचैनी होने लगती है और मैं पसीने से भीग जाता हूँ। इन्हीं सब बातों की वजह से मैं एक जगह पर शांति से बैठ ही नहीं पाता। मैं इधर उधर भागता रहता हूँ, कुछ न कुछ करता रहता हूँ तो मुझे शांति मिल जाती है और मेरा अध्ययन में भी मन नहीं लगता। जिस भी विषय को मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ वह मुझे समझ में ही नहीं आती, वह मुझसे भूलने लगती है। ऋषि भी उस शिष्य की बात को सुनकर बड़े ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं। शिष्य कहता है कि गुरुवर, यह दिक्कत मुझे काफ़ी दिनों से है। मुझे यह समस्या बचपन से ही है। जब मैं आश्रम में नहीं आया था तभी से मुझे यह दिक्कत है। मेरा दिमाग बहुत अशांत रहता है, मैं शांति से बैठ ही नहीं पाता। कई बार तो मेरे माता पिता मेरी इसी गलती की वजह से मुझे बहुत मारते थे। कई बार तो खाना भी नहीं देते थे। गुरु कहते हैं कि घबराओ नहीं बेटा, तुम्हारी यह समस्या मैं कुछ ही दिनों में दूर कर देता हूँ, लेकिन जैसा मैं कहूँगा तुम्हें वैसा ही करना होगा। शिष्य कहता है कि गुरुवर, आप जैसा बोलेंगे, जो भी मुझे करने को बोलेंगे मैं वैसा ही करूँगा। ऋषि कहते हैं कि आज तो संध्या का वक्त हो चला है, कल तुम सुबह स्नान करने के बाद सीधे मेरी कुटिया के सामने आ जाना। कल तुम्हें मैं एक विद्या सिखाने वाला हूँ जो तुम्हारी सारी परेशानियों को दूर कर देगी। अगले दिन ऋषि के बताए अनुसार वह शिष्य उन ऋषि के पास पहुँच जाता है। ऋषि उस शिष्य से कहते हैं कि आज मैं तुम्हें सांभवी मुद्रा के बारे में बताने वाला हूँ। ऋषि कहते हैं कि सांभवी मुद्रा को शिव मुद्रा या भैरवी मुद्रा भी कहते हैं। सांभवी मुद्रा करने के मैं तुम्हें दो तरीके के बारे में बताऊंगा जो तुम्हारी सारी समस्याओं का हल है। गुरु कहते हैं कि इस मुद्रा को करने का पहला तरीका है, पहले आप जमीन पर शांत वातावरण में एकांत में बैठ जाइए, फिर आप दोनों हाथों की तर्जनी को अंगूठे से दबाएं। ठीक वैसा ही करना है जैसे पुराने समय में ऋषि मुनि बैठकर ध्यान करते थे। अब आप बची हाथों की तीन अंगुलियों को सीधा रखें और फिर हाथ के पंजों को घुटने पर टिका दें। ठीक वैसा ही करना है जैसा आप ध्यान करते हैं। अपनी रीढ़ को बिल्कुल सीधा करें और फिर सिर को थोड़ा सा ऊपर उठाकर
आंखों से भवों को देखते हुए आंखों को धीरे धीरे बंद करें, मतलब आपकी दोनों बरौनियां जहां पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वहीं पर आपको अपनी दोनों आंखों को ले जाकर देखना है और फिर अपनी आंखों की पलकों को बंद कर लेना है। जहां पर दोनों बरौनियां मिलती हैं, वहीं पर आपको अपनी आंखें बिल्कुल ऊपर ले जाकर के रोक देनी है। अब आपका ध्यान भवों और श्वासों पर ही होना चाहिए। जब आप शुरुआत में करेंगे तो आपकी आंखों में दर्द होने लगेगा, लेकिन धीरे धीरे निरंतर अभ्यास के बाद आपकी आंखों की दर्द धीरे धीरे गायब होने लगेगी और आपको बहुत ही आराम और अच्छा महसूस होने लगेगा। अगर आपसे यह प्रक्रिया एक दो दिन में नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, आप लगातार करते रहेंगे तो कुछ ही दिनों में यह आपकी आदत में आ जाएगा और आप बहुत ही आसानी से इसे कर लेंगे। सांभवी मुद्रा करना बहुत ही कठिन है और बहुत ही सरल भी है। इसे यदि सही तरीके से नहीं किया जा रहा है तो यह कठिन है, और सही तरीके से किया जा रहा है तो यह बहुत ही सरल है। जैसे मैं कहूँ कि आपको पता है कि यह रास्ता हरिद्वार जाता है तो आप आसानी से पहुँच जाएंगे, लेकिन यदि नहीं पता है तो आप बीच में भटक जाएंगे। ऋषि शिष्य को बताते हुए कहते हैं कि सांभवी मुद्रा करने की दूसरी विधि है, किसी सुखासन में बैठकर अपनी पीठ बिल्कुल सीधा रखें, अपने कंधे और हाथ को ढीले रखकर हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें, अपनी दोनों आँखों को दोनों भौहें के बीच आज्ञा चक्र पर टिका दें। इस दौरान आपकी आंखें आधी खुली और आधी बंद रहेंगी और आपको अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है। कुछ सन्यासी इसे इस तरह भी करते हैं कि वे पहले सुखासन में बैठकर ध्यान मुद्रा बना लेते हैं, फिर दोनों आंखें ऊपर मस्तिष्क में चढ़ जाती हैं। पहले अंधेरा नजर आता है, फिर धीरे धीरे दिव्य प्रकाश के दर्शन भी होने लगते हैं। अपनी दोनों आईबाल को ऊपर की ओर ले जाएं, मतलब यह कि आप अपना फोकस अपनी भौहों पर करें। पहले इससे आंखें दुखने लगेंगी, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से यह नॉर्मल हो जाएगा। जब आप इसे पहली बार करेंगे तो आपकी आंखों में दर्द होने लगेगा, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से यह नॉर्मल हो जाता है। इस स्थिति में आप जितनी देर तक अपनी आंखों को अपनी भौहों पर टिका कर रखेंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। सांभवी मुद्रा करते वक्त अपनी सांसों का आवागमन समान रखें। इस मुद्रा को शुरुआत में सुविधा अनुसार जितनी देर आपसे हो सके उतना ही करें, बाद में धीरे धीरे आप इसका अभ्यास बढ़ा सकते हैं। जो लोग सांभवी मुद्रा का अभ्यास करते हैं उनके शरीर में कार्टिसोल नामक हार्मोन काफ़ी ज़्यादा होता है। कार्टिसोल हमारे शरीर में उत्पन्न तनाव को कम करता है। इसका मतलब यह है कि जो लोग सांभवी मुद्रा करते हैं वे लोग तनाव से मुक्त रहते हैं। सांभवी मुद्रा करने से आप धीरे धीरे जागरूक होने लगते हैं। जब आप सांभवी मुद्रा करके उठेंगे तो आप यह पाएंगे कि आपके दिमाग में उत्पन्न तनाव धीरे धीरे कम होने लगे हैं। जो व्यक्ति सांभवी मुद्रा नहीं करते हैं उनके दिमाग में कार्टिसोल का स्तर काफ़ी कम पाया जाता है। अगर आप सुबह उठते ही सांभवी मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो आपके दिमाग में कार्टिसोल का स्तर काफ़ी बढ़ जाएगा, और फिर पूरे दिन यह बढ़ा हुआ कार्टिसोल आपको तनाव और चिंता से काफ़ी हद तक बचाता रहेगा। नियमित रूप से सांभवी मुद्रा करने से अगर आपके शरीर में कहीं सूजन भी है तो वह धीरे धीरे कम होने लगती है। इसे करने से आपके शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। आपके शरीर में पुरानी या जो कोशिकाएं निष्क्रिय पड़ गई हैं वह सब धीरे धीरे सक्रिय होने लगती हैं, और जितनी आपकी उम्र है उससे लगभग आप 6.5 साल छोटे नजर आएंगे। अर्थात अगर आप ज़्यादा उम्र के हैं तो आप कम उम्र के दिखने लगेंगे। सांभवी मुद्रा के बारे में जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि लोग शांतिपूर्ण और आनंदमय तो होते ही हैं, पर साथ ही साथ उनके मस्तिष्क की सक्रियता भी बढ़ती जाती है। अगर आप प्रतिदिन इसका अभ्यास करते हैं तो आप अपने शरीर की काफ़ी ऊर्जा बचा लेंगे। दिन भर इंसान अपनी बहुत ऊर्जा को बर्बाद करता रहता है, और ऊर्जा को बर्बाद करने का मतलब यह है कि आपकी कोशिकाएं पुरानी होती जा रही हैं। जो इंसान जितना ज़्यादा ऊर्जा बर्बाद करता है उसकी कोशिकाएं उतनी ही पुरानी होती जाती हैं, और कई बार तो यह देखा जाता है कि शरीर तमाम बीमारियों से ग्रसित भी हो जाता है। जैसे आप जब किसी घर में ताला लगा देते हैं तो आपके घर के अंदर की चीज़ बाहर नहीं जा पाती है, ठीक इसी प्रकार जब आप सांभवी मुद्रा का प्रयोग करते हैं तो आपकी ऊर्जा आपके शरीर से बाहर नहीं जा पाती है, अर्थात ऊर्जा का दुरुपयोग नहीं होता है, ऊर्जा आपके अंदर ही रहती है। अगर आप किसी वस्तु को देख रहे हैं तो भी उसमें ऊर्जा की खपत हो रही है। अगर अच्छी वस्तु देख रहे हैं फिर भी आपकी ऊर्जा खर्च होती है, लेकिन उतना नहीं खर्च होती है जितना कि खराब वस्तुएं देखने से। अगर आप कानों से सुन रहे हैं तो भी ऊर्जा की खपत हो रही है। इतना सब कुछ करते करते हम अपने शरीर से पता नहीं कितनी ऊर्जा यूं ही बर्बाद कर देते हैं,
पता नहीं कितनी ऊर्जा हमारे शरीर से हर समय निकलती रहती है। ऋषि अपने उस शिष्य से कहते हैं कि जो इंसान अपने शरीर से जितनी ऊर्जा बर्बाद करता है उसका शरीर उतना ही बूढ़ा होता चला जाता है और उसकी मृत्यु भी बहुत जल्दी होती है, क्योंकि यह हमारा शरीर ऊर्जा से ही चलता है। बचपन से लेकर जवानी तक हमारे शरीर में बहुत ऊर्जा रहती है, लेकिन जवानी में ही हम अपनी ऊर्जा को बेफजूल कार्यों और बेफजूल लोगों के साथ अपनी ऊर्जा को नष्ट करते रहते हैं। लेकिन अगर उस समय हम अपनी ऊर्जा को बचाते रहें तो इंसान काफ़ी दिनों तक जी सकता है और अपनी ऊर्जा को बचा भी सकता है। ऊर्जा बचाने में सांभवी मुद्रा बहुत ही उपयोगी सिद्ध होती है। आप हर रोज 21 मिनट का अभ्यास करके आप अपनी बहुत सारी ऊर्जा को नष्ट होने से बचा सकते हैं। सांभवी मुद्रा करने से आपके शरीर में खुद ऊर्जा उत्पन्न होती है और जो खराब कोशिकाएं होती हैं उनका निर्माण होना शुरू हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति के दिमाग के न्यूरॉन कम हो गए हैं तो इससे उसकी सोचने समझने की शक्ति भी कम होने लगती है। इसका मतलब यह है कि उसके दिमाग के काफ़ी न्यूरॉन अभी सक्रिय नहीं हैं, और जब न्यूरॉन सक्रिय नहीं रहेंगे तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोच और समझ नहीं पाएगा, उसका दिमाग उतने अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वह व्यक्ति सांभवी मुद्रा का प्रयोग हर दिन करता है तो उसके दिमाग में मौजूद न्यूरॉन सक्रिय होने लगते हैं। लगभग 241% तक उसके दिमाग की क्षमता बढ़ जाती है। गुरु अपने उस शिष्य से कहते हैं कि शिष्य, अगर तुम इस सांभवी मुद्रा का प्रयोग प्रतिदिन करते हो तो तुम्हारा जो अशांत मन है वह शांत हो जाएगा, और जो तुम्हारे अंदर की बेचैनी है वह सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और तुम अपनी ऊर्जा को नष्ट होने से बचा लोगे। वह शिष्य अपने गुरु को सादर प्रणाम करके अपनी कुटिया में चला जाता है और वह अगले दिन से ही सांभवी मुद्रा का प्रयोग करने लग जाता है, और धीरे धीरे 3 महीने बाद वह अपनी आदतों पर नियंत्रण पा लेता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको भी सांभवी मुद्रा के बारे में जानकर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आप भी इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमको सुन रहे हैं तो हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए विचारों के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार।